हेलो गाइस, ये स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसके पहले लेक्चर वन में साइन फार्मूला कराया हुआ है, कराई हूँ। और ये जो है हमारा साइन, कोसाइन और टेंजेंट, हाफ एंगल ट्रेंगल का ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट का फार्मूला हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ हाफ एन एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ द साइड्स। ठीक है, ये इसको वीबीआई मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि वही क्वेश्चन आप सबके बीच साझा करूँ जो हमेशा एग्जाम में दोहराते रहता है। तो ये लेक्चर टू है, लेक्चर वन मैंने करा चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे लिखी हूँ मैंने कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हम लोग पहले से जानते हैं, पहले हम लोग प्रूव भी किए हैं कि कॉस ए इक्वल टू होता है कॉस स्मॉल ए माइनस कॉस स्मॉल बी कॉस स्मॉल सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो आइए इसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ We know that हम लोग जानते हैं कि टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस ए। ये हम लोग इंटरमीडिएट से जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस ए। एक मिनट, आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्यों लिखे हैं, ये भी दिमाग में आ रही होगी, है ना? तो इसलिए मैंने लिखा कि हम लोग जब प्रूफ करने चलते, जब हम लोग प्रूफ पे आते, यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते क्या है कि टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, साइन फार्मूला ना निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए बाई टू हम लोग को निकालना है, तो हम साइन फार्मूला लिखेंगे। साइन फार्मूला को लिखेंगे तो वन माइनस कॉस ए होता है, इसका फार्मूला वन माइनस कॉस ए होता है। मीन्स साइन स्क्वायर ए बाई टू, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इजकल टू होता है वन माइनस कॉस ए, है ना? तो कॉस ए, इसी के वजह से हम कॉस ए को यहाँ ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये टू साइन स्क्वायर को इनको यहीं पर रखते हैं, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इजकल टू वन माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से प्रूफ करते हैं, वन माइनस कॉस ए, कॉस ए इजकल टू हम यहाँ क्या लिखे हैं, इसको लिख देते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक, और उसके बाद साइन बी इंटू साइन सी, कोई दिक्कत है? ये हम लिख चुके। अब देखिए, वन माइनस इतना लिख दिए हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये देखिए, साइन क्या हो जाएगा, साइन बी इंटू साइन सी माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, और ये माइनस इसके साथ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी, और डिवाइडेड बाय साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन दोनों को एक पास कर लेती हूँ और माइनस वाले को उधर भेज देती हूँ। ठीक है, तो लिखती हूँ कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी और माइनस कॉस ए। कुछ नहीं की हूँ, बस इधर उधर की, मतलब इसको यहाँ पे ले आके रख दी और प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह मैंने रखा है, कुछ नहीं किए हैं, बस साइन बी इंटू साइन सी जैसे है वैसे उतार दिए, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब देखिए, इतना इजकल टू आप लोग जानते हैं क्या होता है,
कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी, याद आ रहा होगा इसका इसके बराबर क्या होता है, कॉस बी माइनस सी, और ये माइनस में है तो माइनस कॉस ए। अब ये तो याद करना पड़ेगा आप लोग को, ये तो फॉर्मूला ही है, कॉस बी इंटू कॉस सी और साइन बी इंटू साइन सी इक्वल टू क्या होता है, कॉस बी माइनस सी, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज आप लोग को ध्यान करना पड़ेगा, अब क्या ध्यान करना पड़ेगा कि कॉस, यहां पे देखिए कॉस बी माइनस सी और माइनस कॉस ए, मीन्स ये अगर हम लोग ऐसे कर ले कि इसको हम लोग कॉस सी मान ले, मतलब इसको सी मान ले, बी माइनस सी को अगर हम सी मान लेते हैं, ठीक है, और ए को डी मान लेते हैं, कॉस ए को, कॉस ए को हम डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए बी मानिए, ए बी ऑलरेडी है इसलिए हमको ए बी नहीं मान रहे, ठीक है। तो कॉस सी इसके बदले में मैंने सी रखा है और इसके बदले में मैंने डी रखा है, तो कॉस सी प्लस कॉस माइनस कॉस डी, यही हो रहा है ना। तो देखिए कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस बी माइनस सी माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है सी, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बटा टू इंटू साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहां अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया कॉस सी और माइनस कॉस डी, इसके बदले में हम लोग इसको इसको इतना लिखना है, तो टू साइन, अब देखिए सी प्लस डी मतलब बी माइनस सी और प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी और प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, सी प्लस डी निकाल रहे हैं हम अभी, तो ये हो गया और प्लस में ये हो गया, यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको लिखना है साइन डी माइनस सी मतलब ए में से इस सबको घटाना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और प्लस सी, कैसे हुआ, क्योंकि ये प्लस वाले जो हैं ये माइनस प्लस वाले जो हैं वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले जो हैं वो प्लस हो जाएंगे भैया। अब देखिए साइन बी इंटू साइन सी जैसे है वैसे ही इनको उतार दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे है वैसे लिख दिए, आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको बताऊं कि कैसे हुआ। अब देखिए हम लोग एक और यहाँ से, अब देखिए इसको निकालने के लिए और एक और फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए अब देखिए b माइनस सी प्लस ए निकालना है, ठीक है, तो 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, तो वैसे ही लिख दिए, और इक्वल टू में हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको नहीं लिखे ना, ए प्लस बी माइनस सी यहाँ है ना, वो लिख दिए, और इक्वल टू में लिखे हम ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बदले में माइनस टू सी, माइनस टू सी क्यों, क्योंकि a प्लस बी वैसे ही ये प्लस बी रह जाएगा और माइनस टू सी कर दिए तो c में से c घट कट जाएगा, एक c खत्म हो जाएगा तो c बच जाएगा, माइनस c बच जाएगा, मतलब इसके बराबर बच जाएंगे, है ना। तो देखिए अब a प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इसका टू क्या होता है 2s और माइनस टू सी, तो ये क्या हो जाएगा 2 और s माइनस सी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं,
यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू, यहाँ पे टू ऑलरेडी है पहले से, और इसके बदले में लिखते हैं टू, और यहाँ पे लिखते हैं साइन एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी, ठीक है, साइन एस माइनस सी, मतलब इसको निकालेंगे तो एस माइनस बी आएगा और इसको निकालेंगे तो एस माइनस सी आएगा, तो हमने लिख दिया। और इस सबके बटे टू है या भूल गए, साइन बी इंटू साइन सी। आप देखिए यहाँ पे टू टू ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, ठीक है, और टू टू इसमें कॉमन कर लिए हम, इस सब के बदले, इस सब के पहले भी टू था तो टू था तो इस टू को टू से कैंसिल कर दिए, ठीक है, यहाँ भी टू था इसको भी कैंसिल कर दिए, और इस टू को इस टू से कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच गया, साइन ए बाई टू इक्वल टू होता है, इसके बदले में क्या बच जाएगा, इस रूट से, इस स्क्वायर से इधर रूट चढ़ा दिए, साइन बी इंटू साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी, हो गया। ये हो गया हमारा साइन फॉर्मूला, हमारा साइन फॉर्मूला ये हो गया, हम लोग प्रूफ कर चुके साइन फॉर्मूला। अब हम लोगों को देखना है कॉस फॉर्मूला को, ठीक है, तो कॉस फॉर्मूला ऐसे ही सेम कॉस फॉर्मूला को निकालना है, आई होप आप लोग निकाल ले चुके, निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है यहाँ पे कि कॉस का फॉर्मूला जो होता है ना वो थोड़ी उल्टी होती है, जैसे देख लीजिए, अगेन यहाँ पे लिखिए, अगेन वी नो डैट टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू होता है वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए होता है, सिर्फ इतना ही का चेंजिंग होती है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है, बाकी जैसे बनाएंगे वैसे ही बनेगा, मीन्स यहाँ कॉस माइ कॉस यहाँ पे हो रहा था, साइन के फॉर्मूला में हो रहा था टू साइन स्क्वायर ए बाई टू माइन इक्वल टू वन माइनस कॉस ए हो रहा था, और कॉस के फॉर्मूला में टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू होता है वन प्लस कॉस ए कॉस ए, तो सेम ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, सब जैसे था वैसे बना देंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको, आपको मैं समझा दूँ, आइए देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर का, ठीक है, तो लिखिए टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू होता है वन प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है, पहले जो लिखवाई थी ऊपर वही वाली, और यहाँ पे साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी जैसे था वैसे ही सेम। अब देखिए टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और इसके बदले में इसको फिर वैसे ही कर रही हूँ जैसे पहले की हूँ, जैसे पहले की थी ना वैसे ही कर रही हूँ, जब इसको करूँगी तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। ये थोड़ी डायरेक्ट लिखी हूँ, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप बता दीजिएगा, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा था अभी दिखा, चलो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, टू साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू होता है वन प्लस कॉस, यहाँ पे बताई थी ना कॉस ए का फॉर्मूला, यहाँ पे वन प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला ये रख दिए मैंने, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, क्योंकि कॉस हम लोग निकाल रहे हैं, पहले साइन फार्मूला निकाले हैं, अभी हम लोग कॉस का फार्मूला निकाल रहे हैं, कॉस फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कोसाइन निकाल रहे हैं तो कॉस, ये कॉस को बाहर रखेंगे, और देखिए इसको जब करिएगा यहाँ पे प्लस है तो साइन ये क्या हो जाएगा, साइन फ्रैक्शन बनाइएगा तो साइन बी इंटू साइन सी वैसे था, और ये जो माइनस में है तो मैंने यहाँ रख दिया, और इसको माइनस को कॉमन कर ली हूँ मैं पहले, कि ये जो माइनस में है ये माइनस हो जाएगा और ये जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ऑलरेडी प्लस में है, यही की हूँ मैं,
अब क्या हो जाएगा, सेम चीज सेम कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे था वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद आप लोग जानते हैं इसके बाद कि इसके बाद जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है इतना बराबर जो होता है, तो देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कॉस ए, इतना बराबर होता है कॉस ए जैसे वह वैसे, और इतना इक्वल टू होता है कॉस बी प्लस सी। ठीक है, वही जो यहां पे माइनस है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये प्लस वाला आ जाएगा, कॉस में सिर्फ कॉस में रहेंगे, और डिवाइडेड बाई जितना था उतना ही साइन बी इंटू साइन सी, जैसे था वैसे ही। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला पे आ गया है, तो कॉस कॉस ए माइनस बी जब आ जाए, मीन्स कॉस ए हो गया और इसको बी मान लेती हूँ, तो कॉस ए माइनस बी जब आ जाए तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, साइन टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अभी हम लिख लेते हैं इस फॉर्मूला को, जब इस फॉर्मूले से हम लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी प्लस डी निकाल रहे हैं ना हम, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ जो हो जाएगा साइन डी माइनस सी, तो ये क्या हो गया डी, इन दोनों क्या हो गया, तो ये जो हो जाएगा बी प्लस सी और ये डी माइनस सी, तो ये सी है तो माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, और जैसे था साइन बी इंटू साइन सी, ये भैया फिक्स रहेंगे, इनको कोई चेंज नहीं करना, ठीक ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बाई टू, टू को टू से हटा दीजिए, इधर वाले टू को टू से हटा दीजिए, ये सारे टू को, तो जैसे टू हट जाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, पहले बताई थी ना टू एस इसकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, बताई थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा टू एस आएगा, तो टू से टू कट जाएगा और ये टू से इधर वाला टू कट जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी टू एस माइनस, यहाँ पे आएगा एस माइनस ए क्योंकि ये माइनस में है, तो एस माइनस ए आएगा, तो टू एस माइनस ए आएगा, तो यहाँ वाला टू इससे कट जाएगा और यहाँ वाला टू इससे कट जाएगा और ये टू इससे कट जाएगा, तो सारे टू को मैंने कैंसिल कर लिया। अब डायरेक्ट लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप सबको, एस माइनस ए साइन बी इंटू साइन सी, जैसे था वैसे ही, और इन दोनों को क्या करते हैं, कोस वाले भैया जो हैं यहाँ पे रूट वाले जो स्क्वायर हैं इनको हटा के मैं क्या करती हूँ इधर लिख देती हूँ, रूट चढ़ा देती हूँ, साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। अब देखिए कोस भी निकल गया साइन भी निकल गया, अब हम लोगों को क्या निकालना है, टैन निकालना है, ठीक है। अब टैन निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि टैन ए बाई टू इजकल टू क्या होता है, साइन ए बाई टू और डिवाइडेड बाई कॉस बी कॉस ए बाई टू, यही होता है ना, तो इतना होता है। अब देखिए सबके बटे में बड़ा वाला एक रूट ले लेती हूँ, उसमें वाला में उस वाले में क्या आया था, देखिएगा आया था साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई आया था साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी, और इन सब के बटा में फिर हम कॉस वाले को लिख लेते हैं, तो कॉस वाले क्या है साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए, और इसके डिवाइड में भी क्या आया है साइन बी इंटू साइन सी, इनसे इसको काट देती हूँ खत्म हो जाएगा, तो tan a बाई टू इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी, ठीक है, और साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए, यही हमारा
टैन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना था, साइन कॉस टैन का वैल्यू निकाल देना था, बस हो गया हमारा प्रूफ। थैंक यू। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो, और अपने 200 में शेयर करके कम से कम एक शेयर, एक छोटा सा सपोर्ट दें। धन्यवाद।